इंदौर में आगजनी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला जहां बैटरी की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। दरअसल मामला देर रात बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुमेड़ी गांव का है, जहां तिरुपति बैटरी फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने 5 टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं आग लगने के चलते गोदाम में रखे लाखों रुपए मूल्य की बैटरी बुरी तरह जलकर खाक हो गई और कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है। इंदौर से राकेश सच्चर की रिपोर्ट। सर क्या जानते ये है? अभी हमको पता लगा, हम सामेर क्षेत्र में हैं। सामेर क्षेत्र में आग लगी है MRTN रोड पे, सर्विस रोड पे। ये कुमेड़ी गांव है, कुमेड़ी गांव था तो उसके अंदर यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र ही है पूरा। तो कुमेड़ी गांव में तिरुपति बैटरी है, उसमें टू व्हीलर की बैटरी है छोटी, तो उसमें आग लगी थी। हम लोग जब आए तब काफ़ी लपटें ले रही थी। हमारी 4-5 गाड़ी आई गई फायर ब्रिगेड की, 2 आदमी हमारी सामेर से आ गई थी तो कंट्रोल कर लिया है इसको काफ़ी के अंदर। और उसका आसपास का ये गोडाउन था उसमें बच गया, नहीं तो उसमें लग जाती तो काफ़ी बढ़ जाती है। सर तो जानकारी मिली कैसे लगी क्या? तो ऐसे इलेक्ट्रिक से संभव हो सकता है, बता अभी तो शेट लोग तो बता रहे बात हुई है केवल। हम लोग तो बंद करके 9 बजे तो गए ही यहाँ से और 12 बजे के समथिंग आग लगी इसके अंदर। और उनको ही नहीं पता, तो संभावित बता रहे कि इलेक्ट्रिक से हो सकता है लगी हो। लेकिन बड़ा नुकसान तो है बैटरियों का, बैटरी जनहानि तो नहीं सर? नहीं, जनहानि कोई था ही नहीं ना इसमें। जब तो बाद में आग लगी तो पता लगा, तो उनने खोला तो कोई कितना टैंकर पानी लग गया? 5-1 टैंक पानी करीब लग गया वो 5 टैंकर। आपको परिचय? मैं शिव नारायण शर्मा, सब इंस्पेक्टर फायर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।